ठीक ठाक हो तो कहते हैं आज की हमारी वीडियो ऐसे ऐसे छपरियों के ऊपर है ना, जिन्हें देखने के बाद आप भी बोलोगे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो कैसे हम बिना को टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को शुरू। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। देखो आ गए, चैनल को तो सब्सक्राइब करो यार, भूल गए? नीचे बटन है, क्लिक कर दो, हो जाएगा। और ऐसा एक निशान बना होगा लाइक का, और वो भी कर दो जल्दी। मुझसे अच्छा लड़का तो मिल जाएगा मैडम, तो अच्छा लड़का तो मिल जाएगा। हाँ वो तो हर किसी को मालूम कि तेरे से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, पर तू मेरे को एक बात बता कि तुझे किसने पसंद कर लिया, क्योंकि तेरी शक्ल तो खुद कोयले की खदान जैसी लग रही है। पर एक बात याद रखना, चांदी और हीरे में फर्क होता है, चांदी और हीरे में फर्क होता है। ओ भाई साहब, ये खलुआ साला खुद फिल्टर लगा के खुद को हीरा समझ रहा है, हीरा। चांदी और हीरे में फर्क होता है। अरे मेरे हिसाब से तो चूतिया है, चूतिया। खामोशी पर मत जो अमर भाई। ओ भाई अब ये भी हंसते हंसते तो रास्ती मिटा दे। अरे भाई पहले तू खुद को तो संभाल, ये काम करने से वैसे लौंडा समझ ही रहे हो। तो देखो देखो इसका हाथ देखो, लग रहा है आपको कि ये किसी की हस्ती मिटा पाएगा? तो रास्ती मिटा दे, साला खुद तो मिटा हुआ है, हस्ती चला है मिटाने। लड़की को मैं पसंद करता था। अरे रुको रुको, पहले मुझे को ये बताए, ये सर्कस से भागा हुआ जोकर है या फिर इंसान? क्योंकि इसके कपड़ों से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इंसान है। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। जिस लड़की को मैं पसंद करता था आजकल उसे भी इग्नोर कर देता हूँ। ओ भाई क्या करे बेचारा, इग्नोर तो करना ही पड़ेगा जब कोई लड़की भाव ही ना दे तो। और ये जोकर इस बात को घमंड बता रहा है। बस इसी बात का घमंड है। तो गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों महापुरुष इस धरती के सबसे बड़े, तो आप मानोगे? नहीं ना? देखो पीछे देखो पीछे। हाँ अब ये भाई साहब इन भाई साहब के पैर में काला धागा बांध रहे हैं, और एक सांप भी है, सांप, नकली सांप। वैसे गाइस मुझे एक बात नहीं समझ में आई, ये दोनों महापुरुष रिक्शा पर बैठ के आसमान में क्या झांक रहे हैं? इनके बीवी का साया टांगा है। हाँ ये कर लो पहले। हाँ अभी इन्हें खुजलाना भी तो है। अरे जामू भैया, जब तक ये खुजलाएंगे नहीं तो इनका कंटेंट कहाँ से बनेगा? सर तू चुप, ज्यादा मत बोल। गाइस ऐसे ही देखा था भैया, मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि ये तीनों मिलकर कंटेंट बना रहे हैं, पर नहीं आपने तो मुझे चुप करा दिया। हाँ सामू अगर तू बोलता ना तो इन तीनों का दिमाग शायद आ जाता। तो गाइस आपका क्या कहना है इन दोनों महापुरुषों के बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।